दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तापस फार्मासिस्ट चैनल में। दोस्तों तापस फार्मासिस्ट चैनल में हम आपको देते हैं दवा और कॉस्मेटिक का जानकारी, साथ ही यूनिक हेल्थ केयर टिप्स। इसलिए अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कीजिए ताकि नया नया रोचक वीडियो आप लोग पा सके। और जो दोस्तों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन को भी टच कीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना होता है वो तरीका पहले ही मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। और इस सिलसिला में बहुत दोस्त सवाल करते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना होता है, इसलिए आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट का सही दिन और समय का बारे में। दोस्तों मां बनना किसी भी महिला के लिए एक अलग एहसास होता है, एक खास और खूबसूरत लम्हा होता है। शादी के बाद हर महिला इस दिन का इंतजार करता है कि वो कब मां बने, लेकिन अक्सर महिलाएं इस उलझन में पड़े रहती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं सोचती है कि संभोग का बाद ही टेस्ट करने से रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल गलत सोच है। दोस्तों आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने से कब रिजल्ट मिलता है। दोस्तों जब महिला का शरीर से HCG मतलब ह्यूमन करियानिक गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन का रिसाव होना शुरू हो जाता है तब प्रेगनेंसी टेस्ट किट से सही रिजल्ट मिलता है कि आप प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई है। आम भाषा में बोला जाए तो पीरियड का मिस होना प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण है। मतलब संभोग का बाद अगर नेक्स्ट मंथ पीरियड मिस हो जाए तो यह प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण है। लेकिन दोस्तों पीरियड मिस होना प्रेगनेंसी के अलावा और भी बहुत कारण से हो सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी को कॉन्फर्म करने के लिए आप को पीरियड्स मिस होने का 7 दिन तक इंतजार करना चाहिए। 7 दिन बाद प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करने से आपको प्रेगनेंसी का सही रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि खून में HCG हार्मोन का रिसाव उस समय ज्यादा रहती है। दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो संभोग का बाद नेक्स्ट मंथ पीरियड मिस हो जाने पर आप प्रेगनेंसी किट से टेस्ट कर सकते हैं और कॉन्फर्म रिजल्ट के लिए 7 दिन बाद ही टेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी का टेस्ट कैसे करना चाहिए? दोस्तों सुबह का यूरिन लेके घर बैठे प्रेगनेंसी टेस्ट किट कोई भी दवा दुकान में खरीद के आप प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी किट में एक ड्रॉप रहती है, उस ड्रॉप से यूरिन लेकर किट में यूरिन का 3 ड्रॉप डालकर कुछ मिनट इंतजार का बाद ही रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों रिजल्ट में अगर एक पिंक लाइन आती है तो समझिए ये नेगेटिव रिजल्ट है, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है। और प्रेगनेंसी किट पर 2 पिंक लाइन आने से रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब आप प्रेग्नेंट है। और अगर लाइन एक लाइन डीप है और एक लाइन हल्की है तब भी रिजल्ट पॉजिटिव ही माना जाता है। दोस्तों इसका पूरा डिटेल मैं एक वीडियो बना के दिया हूं, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का जानकारी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसा ही यूनिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। दोस्तों मैं तापस इस वीडियो को आज यहाँ ही खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे कोई खास यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।